और लाहौर हाईकोर्ट ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कायदे हिजबे इख्तलाफ को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की। शहबाज शरीफ की तरफ से आजम नजीर तारर और अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ कहाँ है, जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा की शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है और कैंसर के मरीज है। अदालत ने फिर इस्तफसार किया की क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा, नैब ने जो जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। दौरान समाअत वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी केस में बुलाया गया। दौरान रिमांड शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल्स केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया। नैब 63 दिन के रिमांड में तफ्तीश करती रही। अदालत ने इस्तफसार किया, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस किस स्टेज पर है। वकील अमजद परवेज ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। अदालत ने कहा कि नैब वाले कहाँ हैं, रोस्ट्रम पर आए, क्या नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है। नैब वकील ने कहा, नैब शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करेगा। शहबाज शरीफ की तलबी 2 जून वारंट गिरफ्तारी 28 मई के थे। अदालत ने कहा कि जब वारंट पहले निकले तो 2 जून को क्यों बुलाया। वकील नैब ने कहा कि जब गिरफ्तारी का मवाद आया तब शहबाज शरीफ के वारंट जारी किए। अदालत ने कहा कि जब 28 मई को वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अदालत ने फरीकैन की दलाल सुनने के बाद नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। पूरी जमानत दी है, मैं अदालत आलिया का शुक्रिया बुनियादी पाकिस्तान में इंसाफ की अल्लाह का शुक्र है, अदालत ने आज जब पूरी जमानत दी है, मैं अदालत आलिया का शुक्रिया बुनियादी पाकिस्तान में इंसाफ की।